हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब अट्रैक्शन यूनिसेक्स सैलून। आज हम आपको दिखाएंगे भाई बियर्ड को कैसे रिफ्लेक्शन के साथ बहुत बढ़िया बना सकते हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो प्लीज बीच में स्किप मत करना और आगे देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं। वीडियो इनकी बनानी है जिनका चेहरा इस वीडियो में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रिमर जिससे हमने ये आउटलाइन बनानी है यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसके लिए आप देखो कैसे बनानी है। पहले कॉम कर लेते हैं, कॉलों को सीधा कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से कट लगाना चालू करा। आई होप आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे हमने लाइन शेप बना दी है। अब ये हम अब ये आप नेक पे गले पे कैसे कट लगाना है देखिए। तो ट्रिमर से आप उसको लाइन बनाइए और इसको थोड़ा नीचे तक खींच दीजिए ताकि लाइन अच्छे से विजिबल हो गए। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करेंगे। ट्रिमर से लाइन लगाने से होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचती है आपकी, कोई अप डाउन का कोई इसमें चक्कर नहीं रहता। ये यहाँ पे हमने नेक की लाइन खींच दी है। तरीके से हम ऊपर की लाइन भी लगाएंगे। ये देख लो, यहां से मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो हमने लाइंस लगानी थी वो हमने लगा ली है दोनों चिक्स के ऊपर, दोनों गालों के ऊपर, ठीक है। अब हम इसको जो है रेजर से क्लीन करने वाले हैं, तो मैं रेजर में ब्लेड लगा लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। इस पोर्शन को रेजर से हम क्लीन करेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ पे शेविंग जेल का यूज करने वाले हैं ताकि शेव जो है काफी हार्ड है वो सॉफ्ट हो जाए। फोम हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उससे ये लाइंस जो है वो इनविजिबल हो जाती है उसके झागों की वजह से। तो ये हम यहाँ पे ये आपका शेविंग जेल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ऐसे ही आपने ये जो एरिया आपने साफ करना है नेक पे चिक्स पे उसको आप लगाएंगे। इस तरीके से हम दूसरे चिक्स पे भी लगा रहे हैं और ये नीचे वाले पोर्शन पे नेक पे। बालों को अच्छे तरीके से क्रीम अच्छी तरीके से लगानी है ताकि कोई भी बाल सूखा ना रहे, क्योंकि वो कटने में फिर दिक्कत करते हैं, क्योंकि सूखेपन की वजह से फिर जलन होती है। यहाँ पे हमने देखो कैसे पेस्ट कर दिया जेल को। ये शेविंग जेल काफी अच्छा है जिससे शेव काफी सॉफ्ट हो जाती है। अब हमने इसको लगा के रख दिया। अब यहाँ पे जो है हमने ये लाइन के अकॉर्डिंग रेजर को यहाँ से साफ करना है, रेजर से हेयर सारे रिमूव कर देने हैं। ऐसे ही यहां से बीच से यहाँ पे उल्टे बाल हैं तो उल्टा ही रेजर मारे, क्योंकि सीधा अगर मारेंगे तो ब्लड आ जाता है वहां से। अब यहाँ के जो हेयर है वो भी हम इसी तरीके से साफ कर लेंगे और स्किन को थोड़ा खींच के रखना ताकि कट वगैरह ना लगे। यहां से आप देख रहे हो कि अब बिल्कुल क्लीन हो चुकी है नेक, दोनों साइड से हम इसको क्लीन कर चुके हैं। अब वो हमने ये वाला पोर्शन यहां से क्लीन कर देना है। तो यहाँ पे पहले ही लाइन लगी हुई है, इसके लाइन के अकॉर्डिंग ही हमने रखना है इसको ट्रायंगल शेप में। तो आप देखो
अब ये जो एक्स्ट्रा हेयर है इसको हम साफ कर देंगे यहाँ से। अब ये जो पोर्शन है इसको कलम के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट लेना है ताकि स्ट्रेट जाए कलम। तो ये यहाँ से हम कर देते हैं इस तरीके से। रेजर थोड़ा आड़ा तिरछा कुछ नहीं चलाना है, बिल्कुल स्ट्रेट रेजर चलाना है ताकि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए। और यहाँ से हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है, ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है आप देख रहे हो वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो चार वीडियो को स्किप ना करें, पूरा प्रोसेस इसमें आप देख रहे हो। तो एक तरफ का हमारा ये कट कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आपको दूसरी तरफ का करके दिखाता हूँ। तो अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे भी हमने जैसे उधर लाइन खींची हुई थी परले वाले चिक्स पे, इधर भी हमने खींची हुई है। तो इसको हम क्लीन करेंगे, जैसे लाइन है वैसे ही क्लीन करना है। लाइन के ऊपर ही थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं लाइन को रेजर की हेल्प से। यहाँ पे ब्लेड चल रहा है, ये क्लीन हो चुका है। तो हम इसको अब थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ लाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा हेयर है ये बाद में यहाँ पे हम फेस वैक्स करेंगे तो उसमें ये भी क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने ये पूरी शेप बना दी है जैसे मैंने उधर कलम में बताया था आपको, ऐसे ही यहाँ पे भी इस कलम को स्ट्रेट कर लेना है। ये देखो आप बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है ये। ये जो साइड्स में हेयर है अब हम इसको क्लीन कर देंगे, यहाँ से स्मूथली रेजर चलाना है, इजिली ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये कॉर्नर शेप आ गई है यहाँ से, ये आप देख सकते हो। इसको हम सीजर की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। कॉम की हेल्प से आप जो एक्स्ट्रा हेयर हैं जो आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं उसको आप यहां से निकाल लो। ये जो हेयर है ये आउट ऑफ लाइन है तो इसको हम यहां से सीजर की हेल्प से कटिंग कर देंगे। ताकि जो विजिबिलिटी है वो और अच्छी हो सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन यहाँ पे अब बन चुकी है। अब वैसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। यहाँ पे भी आप सारे बालों में कॉम करेंगे दाढ़ी के और इसको फिर सीजर की हेल्प से सीधा कर लेंगे। जो खड़े खड़े बाल हैं दाढ़ी के वो निकाल लेंगे। इसको हम बैक साइड कर लेते हैं सारे, जैसे हमने उस परली साइड किया था सारे बाल आउट ऑफ लाइन वाले हम निकाल लेंगे। ये जो आप बाल देख रहे हो ये आउट ऑफ लाइन है सारे, इसको हम यहाँ से सीजर की हेल्प से कटिंग कर देंगे। और इसको एल शेप बियर्ड बोलते हैं, अगर आपको पता हो इसका नाम तो मैं बता देता हूँ कि इसको एल शेप बियर्ड बोलते हैं। अभी यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा हेयर थे वो निकाल दिए हैं, ऐसे ही ये जो कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा हेयर है इसको हम रेजर से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे रेजर आ गया है, हम इसको रेजर से यहाँ से रिमूव कर देते हैं बैक साइड से। इसको हल्का सा क्लीनिंग करनी है।
अभी हमने यहाँ से पूरी परफेक्ट बियर्ड बना दी है। अब हम जो है जो बीच का सेंटर वाला पार्ट है इसके ऊपर की क्लीनिंग देखेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एयर है मैं क्लोज दिखा देता हूँ आपको, ये चीज ये हम यहाँ से क्लीन कर देंगे। अब ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं कि हमने पर रिमूव भी करी और ये यहाँ से रिमूव कर दिए। यहाँ से मूछें बराबर हो चुकी हैं। अब इसको हम सीजर की हेल्प से जो होठों के ऊपर एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं वो यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से पूरा विजिबल हो रहा है आपको। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बियर्ड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है वो ये वाला एरिया हम रेजर से क्लीन करेंगे। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इसको एल शेप बियर्ड बोला जाता है। वैसे ही हमने दूसरी तरफ भी कर लेना। पहले हम इसको यहाँ से आउटलाइन इसकी क्लियर कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी आए। मेरे पास सारी मशीनें इंपोर्टेड है, वो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि लाइंस वगैरह के लिए मैं अलग ट्रिमर यूज करता हूँ, अलग मशीनें यूज करता हूँ। हमारी ऑलमोस्ट बियर्ड कंप्लीट हो गई है और मैं आपको फाइनल लुक दिखाने जा रहा हूँ। फाइनल लुक से पहले हम इनकी फेस वैक्स करेंगे। ये एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, ये उस वैक्स के थ्रू साफ हो जाएंगे। तो अभी मैं पहले वैक्स की तैयारी करता हूँ फिर आगे बताता हूँ। तो अभी हमने बियर्ड भाई की कंप्लीट कर दी है। बियर्ड तो कंप्लीट हो गई है लेकिन अभी जो ये एक्स्ट्रा हेयर है इसको हम वैक्स के थ्रू हटाएंगे। अभी ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स है इसको हम वैक्स से हटाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स है इसको अभी हम वैक्स से हटाएंगे। तो ये आप बियर्ड तो देख सकते हो कि काफी बढ़िया हमने बियर्ड बना दी है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। तो बने रहो वीडियो में, अभी हम वैक्स गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वैक्स हीटर है ये, यहाँ पे हमने इसमें वैक्स लगाई हुई है। तो ये अभी ऑन है तो अभी गर्म हो रही है, गर्म हो गया। अभी हम बाकी प्रोसेस दिखाएंगे जब लगाते हैं। यहाँ पे हमारी वैक्स जो है भाई गर्म हो चुकी है तो अब ये लगने के लिए तैयार है। ये जो बाल है ये हम वैक्स से रिमूव करने वाले हैं। तो आप देखते रहो कि वैक्स हम लगा रहे हैं यहाँ पे। वैक्स हमने पूरे बालों पे लगा देनी है सही करके। वैक्स हम पूरे अच्छे तरीके से लगाएंगे सही करके बिल्कुल, ताकि ये एक बाल यहाँ से बच ना पाए। ये हमने यहाँ पे फेस वैक्स कर रहे हैं तो फेस पे हमने लगा दिया। ऊपर जो आईब्रो के पास बाल है वहां पे भी हम लगाएंगे। ये आप देख रहे हो मैं यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक जो होती है
ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, इसको अच्छे तरीके से पेस्ट करना है ताकि कोई बाल रह ना पाए। ऐसे ही हम ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारी वैक्स सूख चुकी है, तो अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि जो कॉर्नर हो उसको आप यहाँ से लो, ये उखाड़ना यहाँ से चालू करो और उसको ऐसे खींच दो। और ये देखो इसका रिजल्ट, यहाँ से अपने सारे बाल खींच के आ गए हैं इसके अंदर। दिख रहे हैं बाल, बाल आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर। हमने वहां पे किया है वैसे ही हम यहाँ से करेंगे। हम यहाँ से उखाड़ लेते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पेन जरूर होता है लेकिन ये क्लियर हो जाता है मामला ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बाल है, ये जो अनइवन बाल थे वो सारे हम यहाँ से निकाल चुके हैं। जो हमने फेस वैक्स करी है उसके बाद देखो जो यहाँ पे हेयर्स थे वो सारे यहाँ से क्लीन हो चुके हैं और ये अब ग्लो है फेस पे।